हाँ जी सर, हाँ जी। राकेश कुमार, आप पूछ रहे थे 1.44 बैग्स कैसे आया। सबसे पहले देखो सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकलेगी। यहाँ पे सीमेंट की रेशो कितनी है इस क्वेश्चन में, जब हमने कोर्स रबल मेजनरी सीमेंट मोटर 1:7 में करनी है, तो 1:7 में सीमेंट क्या चीज है, सीमेंट कितना है, सीमेंट कितना है इसके अंदर, ये 1 रेशो किसकी रेशो है, ये हाँ जी सर, 1 रेशो किस चीज की रेशो है, ये 1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है इस रेशो में, तो सीमेंट की है सर। सीमेंट की। तो हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे, सीमेंट की रेशो 1 है, 1 है ना, सीमेंट की रेशो 1 है डिवाइड बाय टोटल सम कितना है, 8 है। तो अगर हमने सीमेंट निकालना है तो सीमेंट की रेशो 1 डिवाइडेड बाय टोटल सम 8 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 0.4, याद रखना है रबल मेजनरी का है, स्टोन मेजनरी, रबल स्टोन मेजनरी, तो ये आ गया 0.05 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है। अब इस क्यूबिक मीटर को अगर नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 28.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बैग्स बन गए 1.44 बैग्स। क्लियर है, ये ऐसे आया। ठीक है, हाँ हाँ जी सर, जिन्हें 1.44 बैग कितना सर, जिनमें एक बैग हो गया फोर फोर की चीज सर। इसको आप 1.5 बैग्स ही लोगी, 1.44 बैग्स तो नहीं खरीद सकते, तो 1.5 बैग ही ठीक है लोगे। मतलब, ठीक है ना, ठीक है जी, 1.5 बोरी मतलब। ठीक है, हाँ हाँ जी सर। जी, सर तो 44 मतलब किस चीज की क्वांटिटी आई, मतलब अपने आधी बोरी की आई, 25 kg जितना होता। नहीं, 50 किलो का बैग होता है ना, 50 किलो हाँ जी, का बैग 25 होता आ है, गया ना, 44 है फिर। वो छोड़ो परे सब कुछ, ये 1.44 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 बैग, 1.5 बैग्स। ठीक है, मतलब 1.5 बोरी लगनी है, 50 किलो की 1 बोरी लगनी है और 25 किलो और लगना है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर, मतलब 1.44 बैग्स को आप 1.5 बैग्स लिख सकते हो, मतलब 1 बोरी और आधी बोरी, 1 बोरी 50 किलो की पूरी और आधी बोरी मतलब 25 किलो और। ठीक है, ठीक है राकेश, हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी, अब अगला क्वेश्चन करें। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी, अब अगला पूछ रहा है वो, कैलकुलेट द ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एशलर स्टोन मेजनरी। देखो पहले जो हमने पढ़ी थी वो थी रबल स्टोन मेजनरी, रबल स्टोन मेजनरी रफ होती है, अनड्रेस्ड होती है, वो ड्रेस्ड नहीं होती, तो उसमें फैक्टर था हमारा 0.4। अगर एशलर मेजनरी आ जाए, किस मर्जी रेशो में सीमेंट मोर्टार की, अगर एशलर मेजनरी आ जाए तो उसका फैक्टर होता है 0.3। ठीक है, याद रखना एशलर मेजनरी का फैक्टर होता है 0.3। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एशलर स्टोन मेजनरी। हमने एशलर स्टोन मेजनरी करनी है जो कि ड्रेस्ड स्टोन मेजनरी होती है, 1 क्यूबिक मीटर बनानी है, किस रेशो में बनानी है, सीमेंट मोर्टार 1:5 की रेशो में बनानी है, उसके लिए ड्राई मटेरियल निकालो। ड्राई मटेरियल मतलब सीमेंट निकालोगे और सैंड ही निकालोगे अगर सीमेंट मोर्टार में काम हुआ है, ये तो मसाले का हो गया, और दूसरा स्टोन निकालोगे जो हम जिसको जोड़ के हमने मेजनरी करनी है ना, है ना। तो हाँ इसके जी, अंदर रेशो, इसके अंदर जब आपका एशलर मेजनरी आ गई, एशलर मेजनरी, तो फैक्टर हमेशा याद रखना कितना होता है, 0.3। तो ड्राई मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर, इसको फैक्टर को ऐसे डिफाइन किया जाता है, ये ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, ड्राई मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एशलर स्टोन मेजनरी कितना होता है, 0.30 क्यूबिक मीटर, मतलब 0.1 क्यूबिक मीटर अगर एशलर स्टोन मेजनरी करनी है तो उसके मसाले में सुक्का मोर्टार कितना लगेगा, 0.30 क्यूबिक मीटर लगेगा। इसका मतलब ये होता है, ये फैक्टर होता है, आपने 0.3 याद रखनी है बात। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी सर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 क्यूबिक मीटर, अगर हमने 1 क्यूबिक मीटर, हम सारी कैलकुलेशन देखो 1 क्यूबिक मीटर के लिए कर रहे हैं, चाहे वो स्टोन मेजनरी हो, चाहे ब्रिक मेजनरी हो, चाहे सीमेंट कंक्रीट हो, सारी कैलकुलेशन 1 क्यूबिक मीटर के लिए हो रही है। अगर हमने 1 क्यूबिक मीटर एस्टर स्टोन मेजनरी सीमेंट मोटर 1:5 में बनानी है तो सीमेंट कितना चाहिए, रेशो कितनी है सीमेंट की, 1 वन डिवाइड बाई टोटल कितना है, 1+5 6, सिक्स, सिक्स तो 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर कितना है, 0.3, तो ये आ गया 0.05 क्यूबिक मीटर। सीमेंट तो जौन सा बैग्स में मिलेगा, तो इसको बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 28.8, ये बन गया 1.44 बैग्स। ठीक है, उसके हाँ जी, बाद नेक्स्ट आ गया सैंड, सैंड की रेशो कितनी है, 5,
5 डिवाइड बाय टोटल कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 0.3 ये बन गया 0.25 क्यूबिक मीटर, 0.25 क्यूबिक मीटर सैंड लगेगी। ठीक है, उसके बाद अब बनाना किससे है, मेजरी करनी किससे है, मेजरी करनी है हमने स्टोन से करनी है। अब ये क्या है, एशलर मेजरी है, इसमें ड्रेस्ड स्टोन चाहिए तो फिक्स ही है, 1 क्यूबिक मीटर अगर मेजरी करनी है तो स्टोन जो कि ड्रेस्ड कितना चाहिए होता है 1 क्यूबिक मीटर, ये फिक्स ही है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, हाँ जी, तो इस तरीके से ये 1 क्यूबिक मीटर का अगर हमने रॉ मटेरियल निकालना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर जी, आप एक तो ज्यादा करना हुए है। तो अगर यहाँ पे लिखा होता 10 क्यूबिक मीटर का निकालो तो आप 1 क्यूबिक मीटर का ऐसे ही निकाल लोगे। 1 क्यूबिक मीटर के लिए सीमेंट कितना चाहिए 1.44 बैग्स है ना, हाँ जी, 10 क्यूबिक मीटर के लिए कितना चाहिए होगा मल्टीप्लाई बाई 10 वो आ गया 14.4 बैग्स, समझ गए। ठीक है, क्यूबिक मीटर के लिए सैंड कितनी चाहिए 0.25 क्यूबिक मीटर है ना, तो 10 हाँ जी होगी मल्टीप्लाई बाय 10 ये आ जाना 2.5 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना स्टोन चाहिए 1 क्यूबिक मीटर, 10 क्यूबिक मीटर के लिए कितना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 10 10 क्यूबिक मीटर। स्टेप स्टेप यही फॉलो करने हैं सारे, पहले 1 क्यूबिक मीटर का निकालना है फिर उसको कन्वर्ट करना है जितना भी पूछा होगा मल्टीप्लाई उससे कर देना। ठीक है, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो स्टोन मेजनरी ब्रिक मेजनरी सीमेंट कंक्रीट लाइम कंक्रीट जो मर्जी आ जाए जितने मर्जी क्यूबिक मीटर पूछ लिए आपको 1 क्यूबिक मीटर का निकालना सिखा दिया, जितने मर्जी आने उसको उससे मल्टीप्लाई करी जाना। ठीक है, हाँ जी, अब एक लास्ट जो हम आज के लिए करेंगे वो बोल रहा है कैलकुलेट द ड्राई मटेरियल फॉर 10 स्क्वायर मीटर ऑफ सीमेंट प्लास्टर 1:4। अब सीमेंट का प्लास्टर करना है जो किस रेशो में करना है 1:4 में करना है, वो पूछ रहा है 10 स्क्वायर मीटर अगर सीमेंट प्लास्टर करना है तो उसके लिए ड्राई मटेरियल निकालो। ठीक है, कैलकुलेट द ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 10 स्क्वायर मीटर ऑफ सीमेंट प्लास्टर 1:4। 10 स्क्वायर मीटर सीमेंट प्लास्टर करा किस रेशो में 1:4, उसके लिए ड्राई मटेरियल निकालो, मोटाई